वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वी आर एट लेक्चर 8। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए पढ़ा था और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लगाए, तो चलिए इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ सबसे पहले क्वेश्चंस लगाते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के ऊपर। तो यहाँ पर एक कंडीशन था कि जितने भी हम लोग ये थ्री फार्मूले डिराइव किए थे, और इसमें क्या था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए था। तो सबसे पहले हम जितने भी एग्जांपल लगाएंगे वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए लगाएंगे, और एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए, ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस कि क्या मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होने से क्या चीजें आ रही है और ना होने से क्या चीजें आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला एक क्वेश्चन लिखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा। If an object is moving with velocity 10 meter per second and after time 5 second it cover 20 meter then find the final velocity and acceleration of the object। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे, और जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली है उसको हम लोग गिविंग के फॉर्म में लिखेंगे। मैं यहाँ पे कलर ग्रीन यूज कर लेता हूँ। क्या बोला? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कहीं हमने लिखा नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी, बट आगे बढ़ते हैं। एंड आफ्टर टाइम 5 सेकंड के बाद, तो जैसे ही 5 सेकंड बीतेगा, इसका मतलब ये कि ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 और उसके 5 सेकंड के बाद, यानी एट टी इज इक्वल टू 0 इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड मतलब टी जीरो से, यानी 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर करता है, इट कवर 20 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। क्लियर? अब देखिए हमारे पास यस दिया हुआ, ये 20 मीटर का मतलब क्या है, ये हो गया हमारा एस इज इक्वल टू 20 मीटर। हमें यस दिया हुआ है, यू दिया हुआ है और टाइम इंटरवल यानी टी दिया हुआ है 5 सेकंड। तो यानी अगर इन तीनों को एक साथ लिखा जाए तो क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 20 मीटर, और टाइम जो है वो 5 सेकंड। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वी और ए। क्लियर? अब हमारे पास फार्मूले क्या है, हमारे पास तीन फार्मूले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक और फार्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तीन फार्मूला अभी तक पड़े फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी तो पता नहीं है, यानी ये दोनों तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं पता और ये भी नहीं, और ये दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे यस यस चलिए आपका पता है, फिर भी और एक में इक्वेशन मिलेगा, फिर आप वहां से सॉल्व करोगे, नहीं थोड़ा सा आपका लेंथी प्रोसेस चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू पता है हमें, पता है, यस पता है, पता है, टी पता है, पता है, तो ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो चलिए इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं, बाई यूजिंग फार्मूला क्या लिखेंगे, By using formula, कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 20, यू की जगह 10 और टी की जगह 5, प्लस हाफ ए की जगह क्या लिखेंगे, कुछ नहीं हमें तो पता नहीं है, तो ए की जगह ए ही रहने देंगे, और टी की जगह 5 का स्क्वायर। तो ये 20 इज इक्वल टू 50 प्लस हाफ ए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। क्लियर है यहां तक?
अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 20 माइनस 50, इधर इधर ट्रांसफर करेंगे 20 50 को, तो 20 माइनस 50 हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 बाई 2 इंटू ए। क्लियर है यहाँ तक? बस हम इसको सिंप्लीफाई किए हैं, 50 को इधर ट्रांसफर किए तो माइनस, और इसको सिंप्लीफाई किए तो 25 बाई 2 इंटू ए, तो ये आ गया माइनस 30 इज इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू ए। अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या मिलेगा हमें, क्या था हमारे पास, माइनस 30 इज इक्वल टू 25 बाई 2 इंटू ए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 60 इज इक्वल टू 25 है, तो यानी हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 60 बाई 25, तो 5 से डिवाइड कर दें इसे, 5 से करेंगे तो माइनस 12 अपॉन 5, यानी ए की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस 12 बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, घटेगी। चलिए निकाल के देखते हैं, क्योंकि अगला जो है हमें क्या पूछा है कि आफ्टर टाइम 5 सेकेंड इसकी वेलोसिटी क्या होती है, यानी वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम 5 सेकेंड। तो वी क्या हो जाएगी हमारी, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, और यू क्या दिया हुआ था हमारा, यू दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे इसको, एक ही जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, प्लस एक ही जगह वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 12 बाई 5, और टाइम कितना था हमारे पास, टाइम कितना है हमारे पास, 5 सेकेंड, यानी ये 5 सेकेंड। क्लियर, यानी क्या हो गया ये 10, 5 से 5 कट गया, माइनस 12, ये माइनस 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है हमारा क्या, वेलोसिटी। अब ये माइनस का मतलब क्या हो गया, जरा सोचिए, माइनस 2 कोई सेंस है क्या इसका, कि नॉनसेंस है। अब ये माइनस 2 मीटर पर सेकेंड इस बोल रहा है जो, तो ये तो हमारा फाइनल वेलोसिटी है। अब ये माइनस का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो, अगर पहले ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो 5 सेकेंड के बाद किधर आएगा, वो इधर आएगा, कितने की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। यानी यू यहाँ पे अगर 10 मीटर पर सेकेंड था तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसा केस हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। सपोज दैट कि यहाँ पे कोई वो वॉल हो और हमने एक वॉल को फेंका, ये राम भैया है हमारे बहुत प्यारे राम भैया, ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक बॉल को फेंक रहे हैं, तो ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गया, और जैसे ही टाइम 5 सेकंड हुआ तो हो सकता है लड़के ये वापस, मान लेते लड़ा होगा यहाँ पर, और लड़ने के बाद ये वापस आ रहा होगा, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 5 सेकंड हुआ 2 मीटर पर सेकंड है। क्लियर, कुछ भी हो सकता है, ऐसा केस हमने अज्यूम कर लिया, ठीक, तो ये केस भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हुआ, ठीक। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक हम लोग, मैंने बोला है आपको एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पे भी क्वेश्चन लगाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इसका एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं, एक छोटा सा एप्लीकेशन है। पहला लिखते हैं जिसको हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं टर्म्स को, क्योंकि अब ये जितने काइनेमेटिक इक्वेशन, इसका यूज क्या है उस चीज के बारे में है, तो इसका एक यूज बताता हूँ, उसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस के बारे में एक क्वेश्चंस लगाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत प्यारा टॉपिक है, क्या होता है इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। क्लियर, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, इसको लिखते हैं व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल, टू अ मूविंग व्हीकल व्हीकल the distance it travels before stopping is called stopping distance। क्या हुआ इसका मतलब समझते हैं। When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is called stopping distance। अब इसकी थोड़ी फील लेते हैं, जैसे कि आप बाइक चलाते हो या साइकिल चलाते हो, कोई भी व्हीकल सपोज जो आप चलाते हो, तो उसमें जब आप कोई सामने आ जाता होगा तो ब्रेक लगाते होगे, तो जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो तुरंत वो व्हीकल रुकता नहीं है,
जैसे अधिकतर आप कार में फील किए होगे, कार में बैठते समय क्या होता है कि अगर कोई ब्रेक लगाया तो तुरंत नहीं रुकता, वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। सपोज दैट कि ये जो कार है इस पे हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, ठीक है, इस पे हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया है, तो ये क्या होगा कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लेते कि ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर ये तब जाके ये रुकता है। तो ये जो डिस्टेंस आती है व्हेन ब्रेक्स अप्लाई, व्हेन ब्रेक्स अप्लाइड, जैसे ही इसके ऊपर हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके फिर ये रुकता है। तो यही जो डिस्टेंस होती है, जो इतना ही डिस्टेंस आ रहा है हमारा, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस आई इस डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्लियर, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्या कि अगर कोई हमारे पास व्हीकल है और उसके ऊपर हम लोग ब्रेक अप्लाई कर दे रहे हैं, ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, व्हीकल कुछ डिस्टेंस कवर करके फिर रुकता है। तो जितना ये डिस्टेंस कवर करता है, रुकने से पहले जितना ये डिस्टेंस कवर किया, जैसे यहाँ पे हमने ब्रेक अप्लाई किया तो ये तुरंत नहीं रुका, एट द इंस्टेंट यानी पॉइंट पी पे ही नहीं रुका, ये कुछ दूर जाके पॉइंट क्यू पे रुकता है। तो पी से क्यू के बीच में दूरी, यानी ये जो दूरी है, ये डिस्टेंस है, वो क्या होता है, उसी को हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। अब चलिए इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में इसका फॉर्मुलेशन करते हैं कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आएगी, ठीक। तो मान लेते हैं कि कोई कार जो है, जैसे जब ब्रेक अप्लाई करती है उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, उस समय जो इसकी वेलोसिटी होती है वो यू होती है, उसको यू मान लेते हैं या वी मान लीजिए। तो मैं इसको पहले लिखता हूं आपको अच्छे से, ठीक है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द, लेट द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग व्हीकल, व्हीकल, लेट वेलोसिटी ऑफ द मूविंग व्हीकल एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ब्रेक is u, क्या है उसका जो जो व्हीकल है, तो जब वो मूव कर रहा है, मतलब कि लेट क्या लिखा हमने, लेट द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग व्हीकल, कोई वेलोसिटी जो व्हीकल है वो मूव कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी है एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई कर रहा है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी हमने क्या सपोज किया, u, एंड लेट इट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। मान लेते हैं कि इसकी जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, ए है, मतलब कुछ ए एक्सीलरेशन से वो चल रहा होगा, मूव कर रहा होगा। चलिए मैं आपको फिर से शुरू से बताता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में देख लिया था, अब हम लोग देखेंगे, अब हमने यहाँ पे सपोज किया कि अगर जो जैसे ही ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है, हमने सपोज किया u। अब देखिए किसी भी व्हीकल पे जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका स्पीड कम होते जाता है फिर जाकर रुकता है, ऐसा ही होता है। तो ये स्पीड कम क्यों हो रहा है, कोई इसका नेगेटिव एक्सीलरेशन आ रहा होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन जब भी आता है, जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल भी किया वहां पे क्या था, इसकी वेलोसिटी कम होती गई, यानी इसका एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग डी एक्सीलरेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं, लेट अन अप्लाइंग ब्रेक इट प्रोड्यूसेस अ डिसेलरेशन, अ डिसेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड, इसको ये हमने सपोज कर लिया और ये मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो यानी यहां पर इसका इस फिगर में ही मैं लिखता हूं, यहां पे जब ये स्टार्ट हुआ, जब ब्रेक अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, यू थी, और यहां पे रिटार्डेशन कितने का आया, ए, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन नहीं, ये डिसेलरेशन, डिसेलरेशन का मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ओके, या फिर डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन ऐसे समझ सकते हो, नेगेटिव बोलो या डिक्रीजिंग बोलो, एक ही है, ठीक है। तो हमारे पास दो क्वांटिटी है, अब हमें क्या निकालना है, और हाँ एक चीज और पता है कि जब ये रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी कि नहीं। अब देखिए पहले ये कुछ इसका स्पीड था जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए, अब धीरे 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 जाके ये रुकता है, तो जब रुक जाता है तभी ना हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी वी भी पता है, तो हमें क्या क्या मिल गया, क्यू मिल गया, वी मिल गया और ए मिल गया, और हमारा टारगेट क्या है, डिस्टेंस फाइंड करना, डी को फाइंड करना। तो हमें फार्मूला पता है क्या,
कौन सा फार्मूला? देखिए यहाँ पे मैंने तीन लिस्ट किया था फार्मूलेज को, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए यस बी इक्वल टू यू प्लस एटी यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो हमें भी और यू और ए जीरो पता है, तो यही फार्मूला लगेगा, ये हमें आइडिया लगा यहाँ से। तो चलिए इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए यस। अब वैल्यू पुट अप करेंगे तो भी की जगह क्या हो जाएगा, ये भी जो है हमारा वो भी किधर गया, भी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इसको हम लोग जीरो लिख देंगे। और यू क्या है हमारा, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये तो यू ही था, प्लस टू ए एस, तो एक की जगह तो ए ही रहेगा और यस। फिर हम लोग एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। क्लियर है? अब ये यस जो है वो तो डी है, यानी डी इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है यहाँ पे, यस जो है वो डी के ही इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे चलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे ही डी की वैल्यू यहाँ पे डी पुट कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो, यहाँ पर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर डी इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए आ गया, क्लियर, माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। तो यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आया, माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, वेयर ए इज डिसेलरेशन, ये ध्यान देना, ये क्या है, डिसेलरेशन, वेयर ए इज डिसेलरेशन। क्लियर? यानी हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या मिला, माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, क्या मिला, माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए। अब देखिए कहीं कहीं आपको ऐसा भी फार्मूला मिल सकता है कि डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू ए, तो ये भी सही है, लेकिन वहां पे क्या होगा, ए जो होगा वो क्या होगा, वेयर ए इज असिलेशन, वहां पे ए क्या होगा, असिलेशन होगा, और यहाँ पे ये क्या है जो हमने डिराइव किया माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए, वो डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन का मतलब समझिए कि निगेटिव एसेलरेशन या फिर डिक्रीजिंग एसेलरेशन, और एसेलरेशन मतलब जो एसेलरेशन होता है वैसे ही समझना है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं फिर से, यहाँ इसके जस्ट बगल में निगेटिव एसेलरेशन। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की तरफ, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि हाँ ये कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियरिटी आएगी, और फिर मैं आपको एक पूरा जितना भी हम लोग डिराइव किया उस सबको मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट अ व्हीकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड सडन ही अप्लाई ब्रेक्स विच प्रोड्यूसेस डिसेलरेशन। अब डिसेलरेशन बोल दिया तो इसका मतलब ये निगेटिव में आएगा, यानी माइनस, सपोज दैट माइनस 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल। क्या बोल रहा है कि एक व्हीकल है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम लोग इसका फिगर बनाए तो फिगर से क्लैरिटी आती है, इसलिए मैं बार बार आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। फिगर हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, तो ये मैं पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि जो हमारा ग्राउंड को रिप्रेजेंट करे, टिल्टेड लाइन हो गई है। फिगर में क्यों बना रहा हूं आपको पता है ना, ताकि आपको क्लियरिटी है कि पिक्चर, ये क्वेश्चन बोल के आ रहा है उसका पिक्चर आपके दिमाग में बनना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर आप लोग सही चीजें और सही तरीके से क्वेश्चंस को सोच सकते हो। तो जैसे कि एक व्हीकल है जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये मान लीजिए कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो पहिए बना दिए इनका, ये पहिया तो बीच में चला गया, चलिए इसे सही कर लेते हैं। ठीक, तो टी इक्वल टू जीरो पे भी यहाँ पे था, फिर आफ्टर टी टाइम सम टाइम आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे मूव कर रहा था, और यहाँ पे भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा। फिर इसने क्या किया, मान लेते हैं इसी पॉइंट पे इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो लिखते हैं अन अप्लाइंग ब्रेक। अब इस पॉइंट पे ये ब्रेक अप्लाई किया इस वाले पोजीशन पे, तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लेते कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर जाके ये रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं,
अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है अगर हम लोग फिर से उसको एक्सेलरेट ना करें, वेलोसिटी ना दें तो ऐसा केस मान के चलें कि हमने ब्रेक अप्लाई किया वो रुक गया, गाड़ी को रोकनी ही है ऐसा केस। तो ये क्या होगा, कुछ समय के बाद जाके क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू जीरो यानी एट रेस्ट। क्लियर? तो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ब्रेक अप्लाई किया, यानी ऐसे बोला जाए कि अन अप्लाइंग ब्रेक इसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल जीरो है। अब जैसे ही ये ब्रेक अप्लाई किया तो उसमें कुछ डिसेलरेशन आया होगा या निगेटिव एक्सेलरेशन आया होगा, वो कितना दिया होगा इसमें, -10 मीटर पर सेकेंड। एंड ए कितना दिया हुआ, ए इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से हमें मिल गई। अब हमें डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है, जब डिसेलरेशन हो डी इज इक्वल टू -u² / 2a, ये क्या है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो इस केस में हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आएगा, तो लिखते हैं हियर यू इज कितना है, यू 20 मीटर पर सेकेंड, और ए क्या है, एक्सीलरेशन जो कि निगेटिव में दिया हुआ है, -10 मीटर पर सॉरी डिसेलरेशन। अब देखिए यहां पे डिसेलरेशन है, सॉरी मैंने एक मिस्टेक है, अगर डिसेलरेशन बोल रहा है तो इसका मतलब वो निगेटिव एक्सीलरेशन तो पहले से ही है, तो यहां माइनस लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे ए लिखिए यानी एक्सीलरेशन -10, देखिए डिसेलरेशन यानी निगेटिव एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे अगर डिसेलरेशन बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये -10, डिसेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, -10। तो यहाँ ए कितना आ गया, -10। क्लियर है? तो हमारा तो डिसेलरेशन कितना दिया हुआ, माइनस निगेटिव में दिया हुआ है, माइनस सॉरी डिसेलरेशन कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ था, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो सॉरी ये प्लस ही रहेगा आपको। तो डिसेलरेशन इसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 मीटर। तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या आ जाएगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस डी इज इक्वल टू u² क्या आया था हमारा, -u² / 2a, ऐसा कुछ आया था ये -u² / 2a। लेकिन यहां पर ए क्या था हमारा, यहां पर ए जो था d² - u² / 2a, इस वैल्यू को हम लोग पुट अप करते हैं तो u की जगह 20 × 20 / 2a, 2 × 10, तो ये आ जाएगी -20 मीटर, हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब एक चीज आपको ध्यान देना है, जो हम लोग फार्मूला डिराइव किए थे वहां पे हमारा क्या आया था कि d इज इक्वल टू -u² / 2a, जब a डिसेलरेशन हो यानी निगेटिव में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, यानी ए की वैल्यू डिसेलरेशन यानी कितना इसका डिसेलरेशन है वो दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस आ गया -20 मीटर। बेसिकली हमारा जो टारगेट क्या था, डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला u² / 2a है, ये प्लस माइनस का जो साइन है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा क्या है। तो मैं इसको पहले आपको थोड़ा सा मेसअप चीजें हो गई हैं, इस चीज को मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस को यहां से आप एकदम फ्रेश, जो भी आपका कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा, तो फ्रेश होकर आपको मैं बताता हूँ ये कि ये क्या है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने सपोज किया कि जो जब हमने ब्रेक अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी क्या है, यू है, और आफ्टर टाइम जब ये स्टॉप हो जाता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और यहाँ पे ए जो है वो डिसेलरेशन को डिनोट कर रहा है जो कि निगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक, तो हमारा हमको यहाँ पे आगे यहाँ पे हम लोग प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्या है, लेट एन अप्लाइंग ब्रेक इट प्रोड्यूसेस अ डिसेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये डिसेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमने यहाँ फार्मूला जो डिराइव किया था पिछले केसेस में वहां पर ए क्या था, वो तो एक्सेलरेशन के लिए था, तो यहाँ पे हम लोग ए की जगह देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर ए जो है वो डिसेलरेशन क्या है, डिसेलरेशन, डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिसेलरेशन क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव माइनस ए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो ये जब माइनस ए होगा तो यहाँ पे ए तो हम लोग जब फार्मूला ड्राइव किए तो वहां तो एक्सीलरेशन लिए थे, डिसेलरेशन तो लेके हमने प्रूव किया नहीं था, इसी की वजह से थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ए यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सीलरेशन होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सीलरेशन की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आपका माइनस, माइनस में चीजें आएंगी तो -2ad हो जाएगा,
फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2ad इधर जाएगी, यानी u स्क्वायर बाई 2a, तो यानी आपका u स्क्वायर बाई 2a आ गया। किसके लिए? जब a डिसेलरेशन हो, और जब a एक्सेलरेशन हो तो ये माइनस u स्क्वायर बाई 2a आता है। क्लियर? देखिए बेसिकली जो आपको ध्यान देना है, डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी अगर डिसेलरेशन a है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस a होगा। ठीक, तो यहां पर जब a अगर डिसेलरेशन है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है u स्क्वायर बाई 2a, और जब a एक्सेलरेशन हो तो वहां पे स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है माइनस u स्क्वायर बाई 2a। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड जो था इनिशियल वेलोसिटी थी, और जब ब्रेक अप्लाई किया तब इसकी वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड थी, और फिर जब रेस्ट में आता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। अब यहां पर दिया है जो डिसेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने यहाँ पे a, a मतलब क्या, ये डिसेलरेशन है, इसको हम लोग एक्सेलरेशन माने हैं। क्या है ये, कि ये एक्सेलरेशन कितने का प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस 10 का। ठीक, क्योंकि ये वाला चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिसेलरेशन अगर a है तो एक्सेलरेशन माइनस a। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे डिसेलरेशन 10 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस 10, वहां से लिख दिए। अब उसके बाद फिर हमने आया डायरेक्ट फार्मूला में, लगा इसको पुट अप कर रहे हैं, तो यहाँ a क्या है, ये एक्सेलरेशन माइनस 10 में आएगी, एक्सेलरेशन माइनस 10 में आएगी। अगर एक्सेलरेशन माइनस 10 में है, यानी अगर एक्सेलरेशन दिया है तो फार्मूला कौन सा यूज करेगा, माइनस u स्क्वायर बाई 2a, माइनस u स्क्वायर बाई 2a, और a की वैल्यू क्या है, माइनस 10, तो ये आपका आ जाएगा प्लस 20 मीटर। क्लियर? तो ये मेथड वन हो गया, ऐसे एक तरीका ये ऐसे कर सकते हैं 20 मीटर, ये मेथड वन इसको लिखते हैं। और दूसरा क्या है मेथड सेकंड में, हियर u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, और डिसेलरेशन क्या दिया हुआ, ये दोनों करके मैं बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, जो पीछे कंफ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए, 10 मीटर पर सेकंड। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया, डिसेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो यहां पर तो एक्सेलरेशन था, ये मैं इसको लिख देता हूं, तो यहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस d इज इक्वल टू, अब देखिए जब डिसेलरेशन रहता है तो कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, u स्क्वायर बाई 2a। क्लियर? u स्क्वायर बाई 2a ये फार्मूला यूज करेंगे, तो u की जगह क्या हो जाएगा, 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 20। यानी दोनों केसेस में किसी भी केसेस से जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने तो आपका सेम आंसर आएगा। अब समझता आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, थोड़ा मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया बीच में। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ डेरिवेशन वाले पार्ट पे। मेन जो पॉइंट है वो इसमें है, डिसेलरेशन ए है तो एक्सेलरेशन माइनस ए होगा। हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया था, फाइनल वेलोसिटी दिया था, और डिसेलरेशन दिया था, तो डिसेलरेशन ए था तो एक्सेलरेशन माइनस ए लिखे, और हमें फार्मूला पता है किसके लिए, हमें फार्मूला पता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2ए, ये एक्सेलरेशन के लिए होता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट किया, ये आया माइनस ए। क्लियर? अब ये माइनस ए इसमें जब वैल्यू पुट किए तो वहां से जब सॉल्व किए तो डी की वैल्यू आई यू स्क्वायर बाई 2ए। कब? जब ए डिसेलरेशन, अब डिसेलरेशन है तो डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2ए, अगर एक्सेलरेशन होता तो माइनस यू स्क्वायर बाई 2ए आता। क्लियर? उसके बाद हमने क्वेश्चन किया दोनों तरीके से, कि अगर एक्सेलरेशन मानेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था डिसेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और अगर डिसेलरेशन से कर रहे हैं तो यू स्क्वायर बाई 2a। क्लियर है यहां तक? चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक गहरी सांस लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने बोला था नॉन यूनिफॉर्म ऑसिलेटरी मोशंस के लिए करेंगे, तो चलिए उसी क्वेश्चन को करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आए। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड having acceleration 5t, then find the velocity after 3 seconds। क्लियर? अब इसके सॉल्यूशंस पार्ट पे आते हैं।
कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है तो हम लोग ये नोट करते हैं कि गिवन क्या है, लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक, ये गिवन है। अब क्या बोल रहा है ये कि हैविंग एक्सेलरेशन 5t, यानी a क्या है 5t है, देन फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो आफ्टर 3 सेकेंड हमें क्या फाइंड करना है, आफ्टर 3 सेकेंड हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्लियर। चलिए अब हमें u पता है, a पता है और हमें 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दें, चलिए वो भी लगा के देखते हैं कि क्या आता है। तो मैं लिखता हूं बाय यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो भी की जगह हम लोग भी लिखेंगे क्योंकि वो निकालना, यू की जगह 10 और ए की जगह 5t इंटू टी, ठीक। अब 3 सेकेंड के बाद निकालना है तो टी की जगह 3 पुट कर देंगे, 10 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 3, 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 10 को लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 55। तो ये बहुत लोग का आंसर आ रहा होगा, यानी v इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा आफ्टर 3 सेकेंड। किसका किसका ये आंसर आया है, जिसका जिसका ये आंसर आया है वो रेड कलम लें या कोई दूसरा कलर का कलम लें और उसके बगल में ऐसे कलर गलत क्वेश्चन करें और थिंक करें क्यों ये गलत है, खुश होते हुए ये जो सॉल्यूशन जो किया वो गलत है। अब आधे लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये गलत कैसे, वीडियो पॉज करिए सोचिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये सॉल्यूशन गलत क्या, हमने ये फार्मूला किसके लिए डिराइव किया, ये फार्मूला हमने डिराइव किया था फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिराइव किया था, मतलब कि जहां पे एक्सेलरेशन क्या हो, चेंज ना हो टाइम के रिस्पेक्ट, बट यहां तो ए जो है वो तो टाइम का ही फंक्शन है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो फिर क्या लिखेंगे, हियर एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हियर एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दस वी कांट यूज फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बस यही फार्मूला नहीं बल्कि तीनों, या फिर ऐसे बोल v इज इक्वल टू यू प्लस एटी या फिर काइनेटिक इक्वेशन, जो तीनों फार्मूले हैं तीनों में से कोई नहीं यूज कर सकते, क्लियर। तो अब हम लोग यूज क्या करेंगे फिर, अब ये तो यूज कर नहीं सकते, ये दिया हुआ, तो हम लोग चलेंगे बेसिक अपने रूल पे। क्या था हमारा रूल, तो ये हमारा गलत मेथड था, रॉन्ग मेथड यहाँ पे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख रहा हूँ रॉन्ग मेथड। ये आपको पूरा कट नहीं करना, ये बगल में रखना है साइड में, मतलब ऐसे बगल में कट करिए फिर रीजन लिखे क्यों ये गलत है, ताकि जब दूसरी बार रिवाइज करें या क्वेश्चंस को पढ़ें तो आपको क्लियर हो कि हाँ इसकी वजह से ये गलत है। तो आपको ये क्लियर होगा कि जब भी ये फार्मूला लगाना है ये चेक करना है कि इनफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है या नहीं दिया है वो पता चले। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राइट मेथड की तरफ, तो राइट मेथड क्या है, अब हमें क्या पता करना है, यहाँ पर हमें ये पता करना था कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकेंड। तो हम लोग ये फार्मूला डिराइव करते कैसे थे, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी ऐसे लेके कर सकते थे, बिल्कुल। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डेरिवेशंस वाले उस लाइन पे चलते हैं, वी नो हमें ये पता है कि चलिए हम इसका सॉल्यूशंस पार्ट बता रहे, तो ध्यान से सुनिए, a इज इक्वल टू क्या होगा डी वी बाई डी टी होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या कर देते, a डी टी इज इक्वल टू डी वी, बस। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन ऐसे करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे लोअर लिमिट मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी u थी, और आफ्टर टाइम t इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते थे, बट यहाँ पे a अगर कांस्टेंट आता था तो अब तो हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी आता था, लेकिन a क्या है हमारा फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पर वो नहीं आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे a की जगह वैल्यू पुट अप करेंगे, तो ये 0 ये 5t dt, क्योंकि a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5t,
यानी जो कैलकुलस वाला डेरिवेशन उसको कोई अच्छे से समझना होगा हर एक लाइंस। तो यहाँ पे हमने 5t पुट किया, अब ये t इक्वल टू 0 और ये t कितने सेकंड के बाद की बात कर रहा है, 3 सेकंड की। तो ये टाइम t क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u मतलब इनिशियल, इनिशियल था 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। अब फिर फाइनल वेलोसिटी ये हमें पता नहीं, सॉरी ये हमें पता नहीं है फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए इस वाले पार्ट में भी हमें कहां पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पे हम लोग भी रखते हैं और ये हो जाएगा डी, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन, अब इसे सॉल्व करके हमें फाइनल वेलोसिटी उसकी पता चलेगी 3 सेकंड के बाद। तो चलिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ 0 to 3 5t dt, और ये 10 to v 10 था ना, हाँ 10 to v dv। ओके अब हाँ यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर निकाल लेंगे, ये 0 से 3 टी डी टी आ गया, और ये डीवी 10 टू वी ये क्या आ जाएगा, वी माइनस 10, क्योंकि हमें पता है। मैं बगल में फार्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे चीजों, फार्मूला भी याद कर लीजिए कि कैसे होता है ए टू बी, अगर डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या आ जाता है, बी माइनस ई, क्लियर। अब हमें 5 टू, अब इसका हमें इंडिकेशन करना है तो ये क्या हो जाएगा 5, इसका टी टू दी पावर n है तो फार्मूला यूज करके हम लोग टी टू दी पावर 1+1 और t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3। मैं यहाँ पे पहले फार्मूला ही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कैसे चल रहे हैं। ए टू बी एक्स टू दी पावर n डीएक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, बी टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ, तो हमने क्या लिखा t टू दी पावर 1 dt, अब यहां पर x की पावर n था तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर n लोअर लिमिट a अपर लिमिट b dx, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपर लिमिट की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 माइनस ए टू पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो यहां पर लिखेंगे d टू दी पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 माइनस 0 टू दी पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस, और ये यहाँ पे क्या आया, भी माइनस 10, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0, ये तो खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, 9/2 और ये हो जाएगा भी माइनस 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/2 इज इक्वल टू भी माइनस 10, अब फिर भी की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/2 प्लस 10, यानी इसका होता है 22.5 + 10 यानी 32.5 meter per second, यानी हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3 सेकंड के बाद। दस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 3 सेकंड इज 32.5 meter per second, क्लियर। यानी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकंड के बाद, 32.5 meter per second, क्लियर है यहाँ तक। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने किया क्या, इस एग्जांपल से ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी तीनों हमारे काइनेमेटिक इक्वेशंस आए हैं किस तीन रिस्ट्रिक्शंस के तहत काम करते हैं। पहला, यूनिफॉर्मली एसिस्टेड मोशन होना चाहिए, यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, और हमने एक यस इजल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लिखा था, वहां पर हमने ये सपोज किया था कि इनिशियल डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, उसकी 0 होनी चाहिए। तो ये आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए कि हाँ हमने किस रिस्ट्रिक्शंस के तहत ये सारे फार्मूले डिराइव किए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या था कि एक्सेलरेशन जो था वो टाइम के साथ वेरी कर रहा था, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं था। इस केस में हमें ये पता करना था कि कोई ऑब्जेक्ट किस इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था जिसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो 3 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन का टारगेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग दो मेथड से गए, पहला गलत वाले तरीके से कि गलती क्या करेंगे हम, तो वहां से ये पता चला कि हाँ ये जो आंसर आ रहा है ये आंसर हमारा सही नहीं हो, तो इसको हमने लिखा, रीजन भी इसका लिखा आगे कि एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है और जो फार्मूला है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन के लिए होता है, इसलिए हम लोग ये फार्मूला नहीं लगा सकते, यही नहीं बल्कि कोई भी फार्मूला नहीं लगा सकते काइनेमेटिक इक्वेशंस के, v = u + at का भी
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का भी और बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस का। अब हम लोग सही तरीके पे आए कि हाँ राइट मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी और यहाँ पे ए की वैल्यू पुट किया, फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किए तो हम लोग अपने फाइनल आंसर पे आए जहाँ पे हमें पता चला कि जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की 3 सेकंड के बाद वो होगी 32.5 मीटर। चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा। आज के सेशन में सबसे पहले हमने एक एग्जांपल किया काइनेटिक इक्वेशंस के ऊपर, फिर उसके बाद हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस को पढ़ा और इसके फार्मूले को डिराइव किया, जो कि अगर ए डिसेलरेशन है तो हमारा डी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू ए आता है और ए एक्सेलरेशन है तो माइनस यू स्क्वायर बाई टू ए आता है। डिसेलरेशन मतलब ए, एक्सेलरेशन मतलब माइनस ए। इफ यहाँ पे कंडीशन भी है, इफ अगर डिसेलरेशन 10 दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस 10, अगर एक्सेलरेशन माइनस 10 दिया हुआ है तो डिसेलरेशन क्या होगा 10, मतलब ये दोनों अपोजिट साइंस के, ये ध्यान देना है। फिर हमने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन किया। अगले क्लास में हम लोग कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन की, जैसे गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर एंड फ्री फॉल, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रिएक्शन टाइम की तरफ और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी, फिर उस चीज को समझेंगे कि क्या होता है रिलेटिव। थैंक यू।